हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका साथ फ्रेंड एंकेट। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है, तो हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो हमारे बड़े दीदी जो हो गए वो आए हैं घूमने, दीदी एंड जीजू घूमने आए हैं यहाँ कोलकाता से। तो वो लोग पुरी गए थे, पुरी से यहाँ कटक आए हैं। तो अभी हम लोग सब मिलके घूमने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले दिखाया, सब ऑलरेडी निकल चुके हैं। मैं थोड़ा लेट से निकली, तो थोड़ा सा रास्ता का काम चल रहा है, इसलिए गाड़ी गेट तक नहीं आ पाई। तो हम लोग चल के अभी गाड़ी के पास जा रहे हैं। तो आज हम बहुत ही अच्छी अच्छी जगह घूमने वाले हैं, जो दो जगह जाने वाले हैं। कटक में एक जगह जाएंगे और भुवनेश्वर में एक जगह जाएंगे। ये दोनों ही जगह मैंने नहीं घूमा आज तक। तो पीकॉक वैली है कटक में, ये मुझे पहले पता नहीं था है बोल के। तो मुझे जब पता चला, मेरा प्लानिंग था कि मैं एक दिन वहाँ पर जाऊँगी घूमने, लेकिन आज का जो प्लानिंग है पीकॉक वैली का, वो ऑल सडन था। तो पीकॉक वैली से हम जाएंगे बालाजी मंदिर, जो कि भुवनेश्वर में नया ओपन हुआ है, जयदेव विहार में। मुझे नहीं पता एक्चुअली उस मंदिर को क्या, मतलब मंदिर का नाम एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि मैंने कभी वहाँ पर नहीं गई हूँ, मतलब नहीं गया बनने के बाद। तो इतना पता है, जो कि तिरुपति बालाजी का मंदिर है, उसका ही हुआ वो यहाँ पर भुवनेश्वर में ओपन हुआ है। तो हमारा प्लानिंग है वहाँ पे जाने का, इवनिंग में वो मंदिर घूमने का। तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हम करते हैं पूरा दिन। और पूरा दिन नहीं, शाम से हम लोग एक्चुअली, अभी बजा है आई थिंक 3:40 समथिंग हुआ है। तो अभी हम निकल रहे हैं पीकॉक वैली होके, फिर जाएंगे टेम्पल। तो चलो चलते हैं घूमने। यहाँ पे सब जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं मेरे हस्बैंड जी, मेरे सास जी, और वो जो ब्लैक कलर में है उनको मैं सबको वीडियो में लाऊंगी, लेकिन अभी पीछे से छूट इसलिए कर रही हूँ। और वो जो है ब्लैक साड़ी में, वो दीदी है, और वो उनके हस्बैंड जी जो है, जो कि ये सब मेरे इन लॉज, मतलब दीदी जीजू मेरे इन लॉज वाले दीदी जीजू है। तो चलिए, तो हम लोग अभी स्टार्ट कर दिए हमारा जर्नी। और ये जो मतलब जो वे से हम जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर हुए है। और हम लोग भी शाम का टाइम में जा रहे हैं, तो मतलब शाम नहीं है अभी, लेकिन वेदर थोड़ा अच्छा है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। मानो एकदम जंगल से अंदर से हम लोग गए, बहुत अच्छा लगा। और ये हम पहुंच गए हमारे लोकेशन में, पीकॉक वैली। और आते ही हम लोग इतने सारे पीकॉक देख लिए। और ये उनका खाने का टाइम है, उनको इस टाइम में मतलब आई थिंक 2 बजे के बाद खाने को दिया जाता है। तो वो लोग सारे जो जंगल के अंदर रहते हैं, वो निकल के आते हैं खाने के लिए। और सब कोई मतलब यहाँ इस अभी जो भी दिख रहा है, ये ज़्यादा नहीं है, इससे भी और भी ज़्यादा है। सब जंगल के अंदर मतलब छुप के बैठे हुए हैं। तो हम लोग आके यहाँ पे कुछ चेयर्स वगैरह भी है बैठ लिए। यहाँ पे जो वाइट टी शर्ट में जो भैया है, ये इन लोगों को मतलब इन लोगों के देखभाल करते हैं, इनको खाने के देते हैं। इनके जो थे दादाजी, वो करते थे पहले, तो इनके दादाजी के डेथ के बाद ये कर रहे हैं इन लोगों के देखभाल। तो इनके हिसाब से और भी ज़्यादा पीकॉक है। और ये लोग बारी बारी आते हैं यहाँ पे, मानो मतलब अभी इनका जो सीज़न है, इस सीज़न में अभी इनके बच्चे होते हैं पीकॉक के। तो इसीलिए तो जब मेल पीकॉक आते हैं खाने के लिए, तो तब फीमेल पीकॉक मतलब उनको बच्चे के पास रहते हैं। और जब फीमेल पीकॉक आते हैं, तो मेल ब्लगर रहते हैं अंदर। इसीलिए हम सबको एक साथ नहीं देख पाए, फिर भी बहुत अच्छा लगा इन सबको देख के। तो हम लोग के यहाँ के जो भाई है वाई टी चैन में जो भैया थे, इनसे हम लोग उनके जो भी स्टोरी है, मतलब कैसे इतने सारे पीकॉक आए, क्या मतलब क्या स्टोरी है इसके पीछे, सब हम इनसे पूछे, इनसे जानकारी लिए। तो इनको रोज़ बहुत सारे मतलब चावल वगैरह खाने को देना पड़ता है। तो आप लोग कोई भी अगर विजिट कर रहे हो पीकॉक वैली, तो श्योर उनको कुछ आप मतलब डोनेट करके आना, चाहे वो मतलब क्या कैश में हो, या फिर आप खुद चावल खरीद कर लेके जाओ, कुछ भी हो, आप लोग ज़रूर इनको हेल्प करना। तो क्योंकि मतलब ये बहुत ही सुंदर सा एक मतलब क्या अनुभव है, एंड फर्स्ट टाइम मेरा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब आप भी देख रहे होंगे, मतलब कितने सारे पीकॉक है, और चारों तरफ का आप मतलब सीनरी देख रहे हो कि कितना सुंदर सा सीनरी है। और यहाँ पे क्या है ना, आप खड़े होंगे, कहाँ से पीकॉक उड़ के आ रहे हैं आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा। वहाँ पे दूर पे दो पीकॉक अपने पंख खोल के घूम रहे हैं। इनका पंख अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये इनके हिसाब से जो भैया है उनके हिसाब से ये फरवरी मार्च में बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, तो तब देखने में अच्छा लगता है।
अब भी देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इतने सारे पीकॉक को सामने में देखने में बहुत ही मजा आया हमें। तो आप भी जरूर आना घूमने। हमारा जो पीकॉक वैली विज़िट करने का मतलब जो भी प्लान था वो बहुत ही मतलब अच्छा प्लान था, क्योंकि कुछ अच्छा नया वाला चीज़ देखने को मिला। मैंने मतलब मैं बहुत बार सुनी हूँ इस जगह के बारे में कि यहाँ पे बारिश के दिन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका सीज़न है बारिश के दिन में, वो लोग बहुत मतलब नाचते हैं खिलते हैं, अच्छा लगता है देखने में। तो मेरा भी मन था मैं आऊँगी बोल के, लेकिन तो कभी प्लान नहीं हो पाया कि आऊँगी कि क्या करूँगी कैसे। लेकिन आज जब आई मैं यहाँ पे, देखी मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ मतलब ज़्यादा उन यहाँ पे जो केयर टेकर हैं उनके मतलब पीकॉक के, तो वो बोल रहे थे इस सीज़न में मतलब अभी वो जो नवंबर दिसंबर में वो लोग इतना ज़्यादा नहीं रहते हैं यहाँ पे, उनके हिसाब से 150 प्लस पीकॉक ऐसे है। लेकिन इनका सीज़न है जनवरी फरवरी में सीज़न है, उस टाइम ये लोग बहुत रहते हैं। तो कभी आएंगे फिर से जनवरी फरवरी में। तो लेकिन बहुत ही अच्छा जगह था, आप लोग ज़रूर आ सकते जो लोग कटक भुवनेश्वर में रहते हो, आप लोग ज़रूर एक बार पीकॉक वैली आ सकते हो। मतलब जो लोग ऑलरेडी घूम चुके हो आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन जो लोग अभी तक विजिट नहीं किए हो आप लोग पीकॉक वैली आ सकते हो। हाँ ऐसा कोई ये पिकनिक स्पॉट नहीं है कि यहाँ पर आपको आधा घंटा एक घंटा रहना है या फिर कुछ करना है बोल के, कुछ नहीं। बस आप मतलब ऐसे ही आपका कहीं और जाने का प्लान है तो आप आपके पिकनिक के प्लान में एक और स्पॉट ऐड कर सकते हो, और वो है ये पीकॉक वैली। तो यहाँ पर आप हार्डली 10 to 15 मिनट भी अगर रह लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर साथ में आपके आपके साथ बच्चे हैं तो भी ये बहुत अच्छा जगह रहेगा बच्चों को दिखाने के लिए, वो लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इतने सारे पीकॉक है। और बेसिकली यहाँ पे 3 बजे सब आते हैं, 3 बजे के बाद, क्योंकि यहाँ पे 3 बजे पीकॉक को खाने को दिया जाता है, तो उस वक्त वो लोग आते हैं धीरे धीरे। आई थिंक 3 से लेके 5 बजे तक ये ओपन रहता है, इन द सेंस यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि ये अभी ओपन है या अभी क्लोज है। 3 से 5 बजे तक पीकॉक सारे बाहर रहते हैं क्योंकि ये उनका खाने का टाइम है, और रात को वो लोग सब पेड़ में चले जाते हैं तो दिखते नहीं हैं। चारों तरफ जंगल है तो यहाँ पर कौन कहाँ पे है पता ही नहीं चलता। हमारा गाड़ी वहाँ पे खड़ा है। तो 3 से 5 बजे आप आ सकते हो, आप लोग कहीं पिकनिक गए हो, कहीं घूमने गए हो, या फिर कहीं जा रहे हो इस रास्ते से नाराज के पास से। मुझे पर्टिकुलर एड्रेस नहीं पता है, लेकिन ये पता है नाराज से थोड़ा आगे है कटक में, जो नाराज है, नाराज ब्रिज वहाँ पर। तो आप लोग बेसिकली गूगल में सर्च करके आ सकते हो, गूगल में सब दिखाते हैं। इवन गूगल में ये भी लिखा है कि ये 3 बजे ओपन होता है बोल के, मतलब 3 बजे अगर आप आओगे तो आप मतलब अच्छे से पीकॉक को देख पाओगे और एंजॉय कर पाओगे। हार्डली 15 to 20 मिनट आप यहाँ पे बिता सकते हो। अगर आप लोगों को इनके ये पीकॉक वैली के पीछे कुछ स्टोरी है, मतलब एक्चुअली कैसे यहाँ पर इतने सारे पीकॉक आए, कैसे क्या मतलब वो उन्हें कैसे पता चला कि यहाँ खाने को मिलेगा वो, तो इसका एक स्टोरी है। जो इनका केयर टेकर है वहाँ पे बैठे हैं भैया, वाइट कलर टी शर्ट में बैठे हैं, तो वो बता रहे हैं। तो उनके दादाजी के स्टोरी है, जो दादाजी के ही फ्रेंडशिप थे पीकॉक के साथ, तो वो स्टोरी बहुत ही बड़ा और बहुत ही लंबा है, और मैं ज़्यादा ब्लॉग में नहीं ले सकती इसलिए मैं नहीं ली। तो फिर भी कुछ स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छा वाला स्टोरी है। तो आप लोग ज़रूर घूमने आना पीकॉक वैली, और ये ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या फिर नहीं, और आप लोग एंजॉय किए और नहीं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे। तो फाइनली हम आके पहुँच गए, वो जो तिरुपति मंदिर हमें आना था जो कि भुवनेश्वर में है वो पीछे है, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा दूँगी। और मंदिर बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, यहाँ का कुछ सिस्टम है कि 6 बजे से 7 बजे तक दर्शन नहीं हो सकता है, मे भी कुछ आरती वगैरह होने वाला है इसीलिए दर्शन नहीं हो सकता है। तो हम लोग मतलब इतना हम लोग का मतलब भगवान दर्शन के लिए है टाइमिंग अच्छा कि हम लोग 6 बजे से पहले आके पहुंच गए हैं। आई थिंक 6 बजने के लिए 5-10 मिनट है, हम लोग अच्छे से दर्शन करके आ गए हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा एक प्रसाद मिला, यहाँ पर वो लोग बाहर फोटोशूट कर रहे हैं बाकी फैमिली मेम्बर्स। तो ये है वो प्रसाद जो कि खिचड़ी भोग जैसा है, बहुत टेस्टी है, सब लोग खा लिए। मैं ये नहीं खा के अंदर से बचा के आई हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे ये ब्लॉग में लाना था, आप लोगों को दिखाना था इसलिए। एंड
बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत मतलब शांत सुंदर। भीतर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है इसलिए भीतर मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन बाहर का आपको दिखा दूंगी। बहुत ही अच्छा जगह है एंड मतलब आप लोग भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। एंड ये मंदिर आई थिंक ज़्यादा पॉपुलर अभी तक नहीं हुआ है भुवनेश्वर में, लेकिन आप लोग आके घूम सकते हो। चलो देखते हैं हम ये मंदिर बाहर से। ये है पूरा बैकग्राउंड, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, यहाँ पे शू स्टैंड है और ये मंदिर का एक कुछ है जो कि बहुत ही सुंदर है, गोल्डन का है। तो ये मैं बाहर से दिखा रही हूँ और ये है मंदिर। यहाँ पे कुछ टाइमिंग वगैरह भी है, मतलब किस किस टाइम आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे है मंदिर का नाम है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम भुवनेश्वर। तो टाइमिंग ऑफ श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, यहाँ पे सर्टेन टाइमिंग है, आप लोग ये टाइमिंग देख के आ सकते हो विजिट करने के लिए। मीन्स 8 बजे क्लोज है। और ये है मंदिर। और भुवनेश्वर से कटक जाने के वे में, जब घर रिटर्न करने के वे में हम लोग एंजॉय किए गरम गरम रसगुल्ले। आप लोग भी देख पा रहे होंगे कितने सारे रसगुल्ले हैं और ये एकदम गरम गरम था जब हम टेस्ट किए। तो मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है फिर, इसलिए मैंने एक ही लिया है। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग भी ज़रूर घूमने जाना ये दो प्लेस। तो मैं कर रही हूँ रसगुल्ले का एंजॉय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।